A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Diva Vadvani, your English teacher. Today we'll study previous year paper of ISC Class 12 Board Exam 2020. Okay, this is the previous year paper. इसका tempest वाला part हम लोग already कर चुके हैं. उसमें जितनी भी काम की चीजें थी, that I have sent you on Telegram. Now we will do the poem Reverie. सॉरी द बुक रेवरी, जिसका ये दो पोएम्स हैं जो आपके सिलेबस में है फॉर सेमेस्टर टू, दैट इज डोवर बीच एंड वी आर द म्यूजिक मेकर्स. तो इसमें जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये आपका क्योंकि ओल्ड फॉर्मेट है, योर विल बी ऑफ 4-4 मार्क्स. उसके लिए आप 5-5 लाइन्स के 2 पैराग्राफ्स लिखोगे, 10-12 लाइन्स अगर आप लिखोगे दैट विल बी सफिशियंट. ठीक, 100 से 150 वर्ड्स काफी होंगे उसके लिए. फर्स्ट इज डोवर बीच में. और हाँ, इस पोएम में, इस वीडियो में वी विल ऑल्सो स्टडी वी आर द म्यूजिक मेकर्स का ही जो थीम और टोन और फिगर ऑफ स्पीच वाला पार्ट था, जो कि हमने एक्चुअल वीडियो में नहीं करवाया था, उसको हम इसी वीडियो में ही इंक्लूड करेंगे. तो प्लीज सी दैट ऑल्सो. ओके, पीडीएफ आई विल सेंड यू ऑन टेलीग्राम. फर्स्ट थिंग इज डिस्क्राइब द मूनलिट सीन डिस्क्राइब्ड बाय द पोएट एट द बिगनिंग ऑफ द पोएम. क्या पूछा गया है कि आपको मूनलिट सीन, जो एकदम डोवर बीच का जो वेरी फर्स्ट स्टैंजा है यहाँ पर, उसको ही आपको एक्सप्लेन करना है. ठीक, अब जस्ट बिकॉज कि दिस इज द पेपर एनालिसिस, तो आपको वो चीजें भी हम इसमें समझाएंगे जो एक्चुअल में मिस्टेक्स पहले के बच्चों ने किए और आपको नहीं करनी है. फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द मूनलिट सीन डिस्क्राइब्ड बाय द पोएट एट द बिगनिंग ऑफ द पोएम. क्या लिखा हुआ है, ऑल्दो द कैंडिडेट्स अटेम्प्टेड दिस पोएम दे मिस्ड आउट अ नंबर ऑफ टेक्सचुअल रेफरेंस. टेक्सचुअल रेफरेंस का क्या मतलब है, आपको कोटेशंस इसमें मेंशन करनी है. आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन हाउ टू यूज कोट्स इन लॉन्ग आंसर्स, प्लीज सी दैट ऑल्सो. और प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करने से पहले वो वीडियो पढ़ करके आना या वो पोएम्स पढ़ के आना जिसके लिए आप एक्चुअली यहाँ पर बैठ के इसको सॉल्व कर रहे हो, वो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. तो उन्होंने क्या कहा है, व्हाट आर द कमेंट्स ऑफ द एग्जामिनर्स, की टेक्सचुअल रेफरेंस, या उन्होंने सब कुछ जो है वो नीले नीले पेन से लिख दिया, दे हैव नॉट गिवन द स्पेसिफिक कोटेशंस, सीक्वेंस ऑफ नरेशन ऑफ इमेजेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमने जब आपको डोवर बीच बताई थी तो हमने भी, When I told you, तो आपको ये numbering उसमें करनी थी. सबसे पहले उसने क्या बोला था, The sea is calm tonight. तो वो सबसे पहली लाइन थी moonlit की. ठीक, As a result, the portrayal, sequential narration of images, जितनी भी images उसने दिखाई थी डोवर बीच में वो सब लाइन से होनी थी. As a result of portrayal of symbolic significance of the scene was missed out. और इसी के कारण जो भी मूनलिट सीन की जो सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस थी वो चीजें उसमें नहीं शो हो पाई थी. डिस्क्रिप्शन इन द पोएम इज वेरी विविड, बहुत ज्यादा मतलब डिफरेंट है, इन द सेंस कि वैरायटी है उसमें, बट ये विविडनेस वाज नॉट ब्रॉट आउट इन मोस्ट आंसर्स. वन फेल्ट दैट द कैंडिडेट्स वर नॉट थरली अक्वेंटेड विद द टेक्स्ट. और ऐसे लग रहा था कि बच्चों ने टेक्स्ट बुक से नहीं पढ़ा है, सिर्फ उन्होंने समरी समरी पढ़ करके आ गए हैं. ओके, आई होप इतना समझ में आ गया है. मूनलिट सीन के लिए ये चीजें थी जो नहीं होनी थी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी हम इसको सॉल्व भी करवाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज अ पोएट इंट्रोड्यूस अ नोट ऑफ मेलेंकली. मेलेंकली मीन्स सैडनेस एंड डिस्टर्बेंस. ये दोनों चीजें वो कैसे इंट्रोड्यूस करता है. इन दिस कॉन्टेक्स्ट व्हाट डज ही से अबाउट फेथ. और उसके बाद उसने फेथ के बारे में इस चीज के लिए क्या कहा है. देखो, दो पार्ट्स हैं एक ही क्वेश्चन के, तो प्लीज राइट इट इन डिफरेंट पैराग्राफ्स. ठीक है, फिर क्या कहा गया, द मेलेंकली एंड द डिस्टर्बेंस कॉज बाय वेव्स ड्रॉइंग बैक एंड फ्लिंगिंग द पेबल्स. ये हमने बताया था, जो डोवर बीच को हमने हिंदी में एक्सप्लेन किया तो हमने बताया था कि वेव्स क्या करती है, पत्थर को पहले वापस खींचती है, फिर वापस आती है तो फेंक देती है. ठीक, द रेफरेंस ऑफ सोफिक्लीज हियरिंग द सेम साउंड सो मेनी इयर्स अगो वाज नॉट ब्रॉट आउट इन द आंसर्स. ये चीजें जो एक्चुअल में आपको मेलेंकली और डिस्टर्बेंस में लिखना था वो नहीं लिखा. Then the candidates did not seem to understand the fortifying. Fortifying means होता है defending, defending and supporting role of faith
इन कंटेम्प्ररी टाइम्स, उस समय पे जिस समय की ये पोएम है, एज वेल एज क्राइसिस ऑफ फेथ बीइंग फेस्ड बाय द कंटेम्प्ररी सोसाइटी, तो ये भी वहां पर नहीं मेंशन किया गया था। मतलब ये दोनों चीजें, फेथ के बारे में जितना भी पार्ट उसने बोला है, दो चीजें बोली थी उसने कि पहले के जमाने ये जो सी ऑफ फेथ था एक समय पे इट वॉज फुल, बट अब वो चीज नहीं दिखती है। ओके, तो व्हाट डज ही से अबाउट फेथ, ये तो बहुत सिंपल सी चीज थी जो आपको उसमें लिखनी चाहिए थी। दिस वॉज द थर्ड स्टैंजा। देन व्हाट डज द पोएट से अबाउट द वर्ल्ड इन विच ही फाइंड्स हिमसेल्फ, जो वर्ल्ड में वो है वो क्या कहता है, दैट देयर इज नाइदर लव नाइदर जॉय नॉर पीस। ठीक, बहुत सारी उसकी लाइंस थी। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, दैट मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स डिड नॉट राइट अबाउट द टर्निंग टू हिज बिलव्ड एज ओनली होप। रुको, पूरा क्वेश्चन पहले हम पढ़ लें। हाँ, व्हाट डज द पोएट से अबाउट द वर्ल्ड इन विच ही फाइंड्स हिमसेल्फ, व्हाट इज द ओनली होप लेफ्ट फॉर मैनकाइंड। तो ये दोनों चीजें, दो अलग अलग पैराग्राफ्स में ये जाएगा। क्या लिखा हुआ है, That most candidates is not right about the poet turning to his beloved as his only hope. Means ये था ना, that he was the only hope left was that he said to his beloved, just let us be loyal to each other. They, however, did not mention the poetic details of the last segment of the poem. Cross references such as ये जो part है, ये आप लोग इसका reference पढ़ लेना, क्योंकि ये हमने भी पहली बार ही वर्ड सुना है यहाँ पर। वेयर इग्नोरेंट आर्मीज क्लैश डे एंड नाइट, मतलब ये वाला जो पार्ट है आपको ये इसमें लिखना था। ओके, एंड इट्स रिलेटिव सिमिलैरिटी टू द फ्रूटलेस वर्ल्ड ब्लाइंडेड बाय इग्नोरेंस एंड इनसिक्योर। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ये चीज आपको उसमें मेंशन करनी थी, जैसे हमने एक सिंपल सी भाषा में बताया था, दैट पोएट कहता है कि दिस इज द वर्ल्ड वेयर देयर इज नो होप नो जॉय नो लव। ठीक, तो वही सेम चीज है। और यहाँ पर क्या कहा गया कि दिस इज अ फ्रूटलेस वर्ल्ड, कुछ भी करो सब बेकार जाता है। इट इज ब्लाइंडेड बाय इग्नोरेंस, जिनके ऊपर अज्ञानता का पर्दा चढ़ा हुआ है। देयर इज इनसिक्योरिटी, दस जस्ट एज द डेप्थ ऑफ होपलेसनेस वॉज नॉट एस्टैब्लिश्ड इन द आंसर्स, पर्सनल बॉन्ड्स रिलेशनशिप्स एज द ओनली ग्लिमर ऑफ होप वर नॉट हाईलाइटेड। ये दोनों पॉइंट्स इसमें मेंशन कर लेनी, बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है हमको। ठीक है, क्या दोनों चीजें, होप की अगर आप अपने पास इसको जब नोट्स बनाओगे तो इसमें ये सब चीजें लिख लेना। That hope के लिए उन्होंने क्या कहा है, that there should be personal bonds, okay, personal bonds and relationships. तो ये वाला point इसमें mention कर लेना कि yes, that poet was turning to his beloved and he was saying कि let us be true to each other, okay. और उसके बाद ये भी point आप इसमें लिख सकते हो, that personal bonds and relationships were the only glimmer of hope that was left behind. ठीक, ये आपका explanation हो गया कि ये सारी चीजें आपको इसमें mention करनी चाहिए थी। अब कुछ चीजें और इसमें पढ़ लो। Ask the students to read the poem thoroughly, very important. Understand each line, हर line का हर word का meaning आपको पता होना चाहिए। हमने डोवर बीच जब पढ़ाया था, पहले वाला पार्ट जब हमने पढ़ाया था, तो हमने उसकी पीडीएफ आपको भेजी है टेलीग्राम पर, उसको ढूंढ लेना, सर्च कर लेना। नई वाली जो थी, नहीं, फिर से हमने उसको बनाकर उसी को ही, उसी में ही पढ़ा करके दोबारा हमने उसको भेजा था। एंड सेम थिंग आई विल डू विद वी आर द म्यूजिक मेकर्स, जो हम अभी पढ़ा चुके हैं हम सिर्फ उसका थीम और टोन आपको समझा देंगे और फिगर्स ऑफ स्पीच। ठीक, यूसेज ऑफ वर्ड्स, किस चीज का क्या यूज हो रहा है वहां पर, वहां के डिस्क्रिप्शंस, जैसे ये मूनलिट सीन, फिगर्स ऑफ स्पीच, मेटाफर्स एंड सिमिलीज शुड बी थरली एक्सप्लेन, क्योंकि ये दो बहुत ही आसान एंड मोस्ट कॉमन फिगर ऑफ स्पीचेस हैं। और फिगर ऑफ स्पीच की अगर मीनिंग आपको समझनी है तो उसके लिए आप सेपरेट वीडियो है वो देखो, दैट इज इन द प्लेलिस्ट ऑफ मस्ट वॉच। और आईएससी इंग्लिश लिटरेचर के हम सारे टॉपिक्स उठा चुके हैं, मतलब आई हैव कवर्ड इट, तो प्लीज उसकी प्लेलिस्ट चेक कर लो। हर बच्चा हमसे पूछता है कि मैम आपने ये चीज नहीं पढ़ाई है अभी। एक्सप्लेन हाउ द पोएट यूजेस अ टोन, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमने डोवर बीच का आपको
ये भेज भी दिया है, तो टोन और मूड भी इसका पढ़ा करो कि किस सेंस में उस चीज को बोला गया है. स्टूडेंट शुड बी एबल टू मार्क द प्रोग्रेशन ऑफ आइडियाज थरली, कि कैसे कैसे सीक्वेंस ऑफ आइडियाज भी होने चाहिए. लाइंस एंड एक्सप्रेशंस शुड बी एम्फेसाइज्ड, कोट शुड बी कोटेड, मस्ट बी एम्फेसाइज्ड, मतलब जो भी लाइन आप उसको लिखो उसको ऐसे करके अंडरलाइन कर दो. लाइंस एंड एक्सप्रेशंस विच शुड बी कोटेड मस्ट बी एम्फेसाइज्ड, ठीक. जैसे मतलब उसको पूरा का पूरा नीला नीला पेन मत उसमें चला दो, थोड़ा बहुत कहीं उसको हाईलाइट कर दो, चाहे ब्लू से ही कर दो अगर आपको टाइम लगता है पेन चेंज करने में, नहीं तो उसको ब्लैक से करोगे, इट वुड लुक रादर बेटर. हाईलाइटिंग हम लोग को बहुत सिखाई गई थी, ठीक है, जो हम आप लोग को जब पेपर प्रेजेंटेशन वाला वीडियो डालेंगे तब उसमें शो करेंगे. फिर क्या कहा गया है, अब नाउ वी विल सॉल्व द आंसर्स टू इट. सबसे पहले डिस्क्राइब द मूनलिट सीन Described by the poem at the poet at the beginning of the poem. Okay, first क्या लिखा हुआ है? Matthew Arnold begins his poem Dover Beach with a picture of cliffs. ये सबसे पहले था. Sea is calm tonight was the beginning और tide is full. यहाँ पर लेकिन moonlit scene नहीं आ रहे. तो cliffs of Dover on a moonlit night. Poet looks out towards the French coast. Some 26 miles away and is attracted by the calm serenity of the scene. ठीक है, मतलब he is attracted. वो वहां पर क्या क्या चीजें देखता है? First वो देखता है the quiet sea, फिर वो देखता है moon, फिर वो देखता है blinking lights on the French shore, फिर वो देखता है glimmering reflections of the famous wild cliffs ऑफ द डोवर. तो ये सारी चीजें वो अलग अलग देखता है. फिर क्या कहा गया है, एंड देन, और ये पूरा उन्होंने कोटेशन एज इट इज यहाँ पर लिख दी है, ठीक है. दिस इज द एज इट इज कोटेशन. द मून लिट लाइज फेयर अपॉन द स्ट्रेट्स, और पूरी लाइन ही कंप्लीट करते हुए ट्रैंक्विल बे तक. अगर आपको छोटा छोटा पार्ट भी याद है, जैसे ट्रैंक्विल बे याद है, मूनलिट मून लाइट लाइज फेयर याद है, या मून ब्लांचिंग लैंड याद है, तो वो भी मेंशन कर सकते हो. द स्पीकर कॉल्स हिज बिलव्ड, और उसके बाद वो क्या करते हैं, वो अपने बिलव्ड को कॉल करता है वहां पे, मतलब बुलाता है उसको, कहते हैं टू एंजॉय द सीन एंड द स्वीट नाइट एयर. स्वीट इज द नाइट एयर, वो ये बोलता है, ठीक. वो उसके वर्ड्स होते हैं, तो आप एग्जैक्ट वर्ड्स ले सकते हो, आसान आसान से ले लो. हाउएवर देयर इज वन एलिमेंट आउट ऑफ ट्यून विद अ पीसफुल सीन. द पोएट अर्जेस हिज कंपेनियन, वो क्या कहता है उससे, सुनो, लिसन टू द रैस्पिंग साउंड फ्रॉम द शिंगल बीच, जहां पर वो पत्थर पड़े हुए हैं उन बीच पर, जो भी रैस्पिंग साउंड या रोरिंग साउंड हो रहा है उसको सुनो. एज द वेव्स फ्लोइंग इन एंड आउट ड्रैग द लूज पेबल्स बैक एंड फोर्थ. ये हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं कि वेव्स जो थी वो पहले पत्थर को ले जाती फिर वापस फेंक देती थी. दिस रेपिटेटिव साउंड अंडरलाइज द अदरवाइज पीसफुल सीन. ये क्या दिखा रहा है, ये एक और पीसफुल सीन दिखा रहा है. सजेस्ट टू द स्पीकर सम अनस्पेसिफाइड एंड अनरिलेंटिंग सैडनेस, और इससे क्या हो रहा है, दैट ये सजेस्ट कर रहा है कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ इटर्नल सैडनेस. ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, ये हमने इसीलिए यहीं पर ही कॉपी कर लिया है. That how does ये वाला question B वाला, how does the poet introduce the note of melancholy and disturbance in this context? What does he say about faith? ठीक, तो ये आपका second वाला paragraph हो गया, eternal note of sadness वाला part हो गया, जिसमें वो कहता है melancholy और disturbance की उसने बात की थी, तो उसने क्या था कि the eternal note of sadness of the sea as it repeatedly dashes against the shore is universalized as the poet imagines that the Greek tragic dramatist, या फिर आप इसको direct sense में tragedian भी लिख सकते हो. Sample paper of ISC literature में ये चीज पूछी भी गई थी कि Sophocles कौन था, तो वो tragedian था. Sophocles has heard same sound on the sea. कौन सी सी पे उसने सुना था, एजीन सी पे. ये भी लर्न कर लेना, ये फैक्चुअल चीजें जो आपको एमसीक्यूज में हेल्प करेंगी.
तो व्हाट इज सेड कि ये जो इटर्नल नोट ऑफ सैडनेस है जो रिपीटेडली उसको सुनाई दे रही होती है, ठीक है, पोएट क्या कहता है कि ये उसी चीज से ही रिलेटेड है जो उसने ग्रीक ट्रेजिक ड्रामेटिस या ग्रीक ट्रेजिडियन सोफिक्लीज ने कुछ समय पहले यहीं पर एजियन सी में उसने सुनी थी, एंड इट हैड सजेस्टेड टू हिम दैट द टर्बिड मडी या कंफ्यूज्ड एब एंड फ्लो, आना और जाना ऑफ ह्यूमन सफरिंग, दैट ह्यूमन सफर कभी दुख सुख आता जाता रहता है, दिस इज काइंड ऑफ द थिंग विच हैड बीन द डोमिनेंट सब्जेक्ट ऑफ हिज प्लेज, और वो उसके सब्जेक्ट उसके प्ले का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है, किसके प्ले का, ट्रेजीडियन के, सोफिक्लीज के, द पोएट एंड हिज कंपेनियन आर ऑल्सो रिमाइंडेड बाय द साउंड ऑफ अ रिलेटेड बट समवॉट डिफरेंट थॉट रिजल्टिंग फ्रॉम द स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल क्राइसिस ऑफ द एज, किसी काम का नहीं है, इसको मत लिखना, काम काम की चीजें बस उसमें लिख दो उतना काफी है। फिर क्या कहा गया है, फेथ के बारे में पूछा है कि पोएट ने क्या बोला था, तो पोएट ने बोला था द सी रिमाइंड्स द पोएट एज अ सी ऑफ फेथ, आप यहाँ पर अपनी फिगर ऑफ स्पीच भी डाल सकते हो, दैट द सी इज अ सिंबल ऑफ फेथ, ओके, क्या, विच वॉज वंस फुल, जो कि पहले सबसे फुल थी, इट वॉज गिर्डल्ड द वर्ल्ड लाइक एन अट्रैक्टिव ब्राइट गिर्डल होल्डिंग एवरीथिंग टूगेदर, ये चीज हम आपको एग्जाम्पल दे करके समझा चुके हैं। हाउ एवर लाइक द वेव्स ऑफ द सी ऑफ फेथ इज रिसीडिंग, जैसे कि वेव्स है वैसे ही सी ऑफ फेथ भी क्या कर रही है, वापस जा रही है, पावर ऑफ रिलीजन टू गिव यूनिटी एंड मीनिंग इज वेनिंग, लीविंग बिहाइंड मीन्स इट इज ऑफ नो यूज, इट इज लीविंग बिहाइंड, क्या वो छोड़ के जा रही है, ओनली द चिल विंड्स विस्लिंग ओवर द डेसोलेट बीच, ठीक, इमेजरी ऑफ द लास्ट फ्यू लाइन्स ऑफ दिस सेक्शन इंडिकेट्स दैट द लॉस ऑफ फेथ इफ नॉट सिंपली अनफॉर्चुनेट बट ऑल्सो रिजल्ट इन ग्रेट सेंस ऑफ एम्प्टीनेस, ये इसके लिए क्या बोला गया है कि लॉस ऑफ फेथ जब व्हेन देयर इज अ लॉस ऑफ फेथ तो इट इज लीविंग बिहाइंड एम्प्टीनेस एंड वल्नरेबिलिटी, ही कंपेयर्स, पोएट कंपेयर्स ह्यूमन सिचुएशन, जैसे कि नेक्ड शिंगल्स ऑफ द वर्ल्ड है, वो पत्थर है जो कि प्रोन टू डिजास्टर और अनहैप्पीनेस है क्योंकि उनके ऊपर सी का पानी नहीं चढ़ा हुआ है। ओके, देन नेक्स्ट इज लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द पोएट से अबाउट द वर्ल्ड इन विच ही फाइंड्स हिमसेल्फ, व्हाट इज द ओनली होप लेफ्ट फॉर मैनकाइंड, तो इसी के बारे में यहां पर लिखना है दैट इन द फाइनल सेक्शन ऑफ द पोएम इन द फाइनल सेक्शन ऑफ द पोएम द पोएट पोएट है ये टर्न्स फ्रॉम द सीन टू हिज लव, टर्न्स फ्रॉम द सीन, सीन से मुड़ करके वो कहाँ जाता है, अपने बिलवड के पास जाता है, उससे बोलता है लेट अस बी ट्रू टू ईच अदर, ओके, ऑलमोस्ट इन डेस्पिरेशन सीकिंग टू फाइंड सम मीनिंग एंड स्टेबिलिटी इन द वर्ल्ड दैट इज अदरवाइज अ वॉइड एंड क्राइज आउट फॉर देम टू बी ट्रू टू ईच अदर, ठीक, यही सेम चीज वो बोलता है कि वो उस वर्ल्ड की एम्प्टीनेस को जो उसको बीच पे दिख रही है उसको छोड़ के अपने बिलवेड पास जाता है, उसको बोलता है कि लेट अस बी ट्रू टू ईच अदर बिकॉज इन द विजन ऑफ द पोएट पोएट के अनुसार देयर इज नथिंग एल्स पॉसिबल टू गिव मीनिंग टू लाइफ, कुछ भी ऐसा नहीं है जो मीनिंग दे लाइफ को, द वर्ल्ड विच इज अपेरेंटली ब्यूटिफुल एंड नाउ रिकॉलिंग द ओपनिंग सिक्स लाइन्स, वो फिर से वो स्टार्टिंग की सिक्स लाइन्स को रिकॉल करता है, इज इन फैक्ट नॉट सो, जो स्टार्टिंग में दिख रहा था वो ऐसा कुछ भी नहीं है, वर्ल्ड कैन ऑफर None of the promises, ना ही वहां joy है, ना love है, ना light है, ना certitude है, ना peace है, ना help for pain है, ये सारी as it is lines है। What the world is really like is a battlefield, वो कैसी है, एक battlefield के जैसी है, रात में अंधेरे में, darkling plain था ना, तो वहां plain अंधेरे में जहां पर soldiers एक दूसरे से clash कर रहे, टकरा रहे हैं, फाइटिंग विथ शेडोज परछाइयों से लड़ रहे हैं, दे आर अनेबल टू टेल फ्रेंड फ्रॉम फो, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस वो नहीं ढूंढ पा रहे कि कौन फ्रेंड है कौन एनिमी, इट इज अ डार्क प्लेन वेयर इग्नोरेंट आर्मीज क्लैश बाय नाइट, ये पूरी लाइन आप एज इट इज लिख सकते हो,
where ignorant armies clash by night amidst the hopelessness of his vision. Okay, just because ki अपने नजरिए में वो चीजों को देख करके बहुत होपलेस है. द पोएट कैन ओनली फाइंड अ ग्लिमर ऑफ होप इन पर्सनल बॉन्ड्स एंड रिलेशनशिप्स. ये अभी हमने आपको पॉइंट बोला था कि इसको अपने पास नोट डाउन कर लो. आई होप इतना समझ में आ गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसका, वी आर द म्यूजिक मेकर्स का एक ही क्वेश्चन है, क्योंकि पहले आपके लॉन्ग आंसर्स आते थे, एक 8-6-6 नंबर का होता था, हाँ, और दूसरा 20 नंबर का आता था. ठीक, तो ये वी आर द म्यूजिक मेकर्स में क्या बोला गया, हाउ इज द पावर ऑफ द म्यूजिक मेकर्स ब्रॉट आउट इन द पोएम वी आर द म्यूजिक मेकर्स. बस इसमें आप लोग इतना ही कर सकते हो. बाकी नोट्स अभी हम आपको पढ़ा देंगे, थीम और टोन का, फिगर ऑफ स्पीच का. वी आर द म्यूजिक मेकर्स में जो भी चीजें इनके बारे में बोली गई है उन सबको पॉइंट्स में करके लिख लो. ठीक है, इसका हम आपको अलग से बनाकर हलवा पका करके नहीं देंगे. दिस इज योर एग्जाम एंड यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन. ठीक, टेक्स्ट बुक खोलो, कहीं पर आपके पास उसका एक्सप्लेनेशन होगा उसको ओपन करो, या इवन यही जो अभी हम आपको सेंड करेंगे इसी में से अपने आप खुद से पॉइंट्स बना बना के नोट्स प्रिपेयर करो. उसके नोट्स बहुत काम आते हैं, एक टीचर की एडवाइस है ये मेरी. अब देखो, व्हाट हाउ इज द पावर ऑफ द म्यूजिक मेकर्स ब्रॉट आउट. ठीक, अब सुनो यहाँ पर एग्जामिनर के क्या क्या कॉमेंट्स है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. द पावर ऑफ क्रिएटर्स एंड आर्टिस्ट कुड हैव बीन बेटर मेंशन, अच्छे से और मेंशन किए जा सकते थे. सम कैंडिडेट्स डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ आर्टिस्ट्स वर वर्ल्ड लूजर्स एंड वर्ल्ड फोर्सेकर्स, ये चीज नहीं मेंशन की गई थी. क्रॉस रेफरेंसिंग वॉज एब्सेंट इन मोस्ट answers. Many candidates could not give examples as to how these artists are movers and shakers. Pure text mein yahi cheez likhi gayi hai that they can trample, conquer the crown, they can trample the empire's glory. Bahut sare examples diye, to wo sab aapko mention karne the. Many candidates fail to write textual details. Bahut important part hai. Missing out numerous points. Describing artists as lone wanderers, wandering and soul searching, lone alone by sea breakers, shaping their creativity by desolate streams. Although they remembered the term, मतलब ये उनको याद था term, they failed to establish the phrase by detailing the achievements of the artist. Second or third में Babel और Nineveh का जो exam था वो भी आप इसमें लिख सकते हो. We are the music makers भी हमने पढ़ाई है और बहुत तरीके से पढ़ाई है. ठीक है, How through their dreams they conquered the crown, trample and empires down were not clearly established. ये सारी चीजें तो आप even पूरी की पूरी poem learn करके उसमें से लिख सकते हो. Although Nineveh and Babel were mentioned, their cross reference were not mentioned. कि Babel was made with happiness, Nineveh was made with when they were unhappy. Were not explained in detail by most candidates and connected with the capability of artists. उससे मतलब जोड़ करके नहीं बताया गया था. Neither was the immortality of the artist established. ये नहीं बताया गया था कि their work will remain forever. Some candidates even failed to understand the significance of music makers wrote about music in general. ठीक, इसीलिए कहते हैं कि पेपर देने जा रहे हो पढ़कर जाओ, पढ़कर. मेरी प्रिंसिपल कहती थी कि पूरी लाइफ में सिर्फ दो ही बार पढ़ा जाता है, एक टेंथ में एक ट्वेल्थ में. ट्वेल्थ है आप लोगों का. देन सजेशंस फॉर टीचर्स, नाउ आई एम सजेस्टिंग दिस टू यू. ठीक, रीड द पोएम थरली, ढंग से टेक्स्ट बुक से पढ़ो. हम आपको पूरा पूरा पका पका पीडीएफ दे देते हैं उसका, उसमें सारी उसकी मीनिंग्स एवरीथिंग इज रिटन. Understand each line, usage of words, description of figure of speech, same वही चीज यहाँ पर लिखी गई है. Metaphors and similes, ये सबसे easy से figures of speech है, ये आपको पढ़ना जरूरी है. Explain how the poet uses tone and mood in the poem, मतलब वो किस sense में लिखी गई है. Is the poet happy while writing this poem, तो ये सारी चीजें इसमें बोली गई है. And students should be able to mark the progression of ideas thoroughly.
लाइन से लिखा करो। स्टार्टिंग में बोला गया है कि वी आर द म्यूजिक मेकर्स में दैट दे आर मूवर्स एंड शेकर्स, वो सबसे ऊपर लिखा जाएगा। बैबल और निनवे का एग्जाम्पल उन्होंने सबसे लास्ट में दिया हुआ है, तो वो सबसे लास्ट में जाएगा। लाइन्स और एक्सप्रेशंस विच शुड बी कोटेड मस्ट बी एम्फेसाइज्ड, ठीक ये वाला पार्ट भी आप हाईलाइट करोगे। अब उसके बाद क्वेश्चन पहले पढ़ लो। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन वॉज हाउ इज द पावर ऑफ द म्यूजिक मेकर्स ब्रॉट आउट इन द वी आर द म्यूजिक मेकर्स स्टोरी पोएम। क्या बोला गया है? द ओड, क्योंकि ये जो वी आर द म्यूजिक मेकर्स है उसी का ही हिस्सा है। पॉपुलरली नोन बाय इट्स फर्स्ट लाइन वी आर द म्यूजिक मेकर्स इज अ ग्लोरिफिकेशन ऑफ आर्टिस्ट। हमने आपको ये चीज बोली थी कि ये जो रेवरी की टेक्स्ट बुक होती है, ठीक ये रेवरी की टेक्स्ट बुक में जब भी आप कोई पोएम पढ़ोगे तो पोएम में यहाँ पे जैसे ये डोवर बीच है, देखो मेरी पोएम एकदम पेंसिल से भरी रहती है हमेशा मेरी पोएम्स, तो इसमें यहाँ पर एक छोटी सी इंट्रो लाइन लिखी होती है। अगर वो आपने पहली लाइन ही अच्छी लिखी ना तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ बच्चा पढ़ कर आया है। तो वैसे ही यहाँ पर एक ओपनिंग लाइन बहुत सुंदर सी दी हुई है, दैट इट इज अ ग्लोरिफिकेशन ऑफ आर्टिस्ट अक्रॉस द रिलीम्स एक्नॉलेजिंग देयर अचीवमेंट्स। अगर ये वाली लाइन आपको अच्छी लगती है आप ये भी नोट डाउन कर सकते हो। इट डिस्क्राइब्स द लाइफ ऑफ एन आर्टिस्ट, ब्यूटी ऑफ देयर आर्टवर्क, देयर इम्पैक्ट ऑन देयर सराउंडिंग्स एंड ऑन द वर्ल्ड आउटसाइड। पोएट क्या कर रहा है? वो डिस्क्राइब कर रहा है आर्टिस्ट और देयर सोल सर्चिंग को, जैसे कि दे वॉन्डर लोन बाय सी ब्रेकर्स। दिस आई हैव ऑलरेडी टॉट यू, पहले वो पोएम पूरी देखो और उसके देखो पढ़ो टेक्स्ट बुक से, फिर इसको सॉल्व करना, ठीक वो ज्यादा समझ में आएगा। एंड व्हाट दे डू, दे सिट बाय डेसोलेट स्ट्रीम्स टू शेप देयर क्रिएटिविटी वर्दी फॉर एडमायरेशन। वो यहाँ पर डेसोलेट स्ट्रीम्स में इसीलिए बैठते हैं, उसके पास इसीलिए बैठते हैं। ही हाईलाइट्स, पोएट जो है ही हाईलाइट्स द डिफिकल्ट लाइफ ऑफ द आर्टिस्ट सीन एज अ वर्ल्ड लूजर्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड लूजर्स और वर्ल्ड फोरसेकर्स है वो। ओके, विद द सैक्रिफाइसेस कम अ मीगर सस्टेनेंस दे मैनेज टू कार्व आउट फॉर देमसेल्व्स थ्रू देयर आर्ट। मींस दे विद देयर सैक्रिफाइसेस, व्हाटएवर दे सैक्रिफाइस, वो कुछ सस्टेनेंस ले लेते हैं, मतलब कुछ पार्ट वो ले लेते हैं जिससे वो अपनी लाइफ को गुजार सकते हैं। दीज आर्टिस्ट आर मूवर्स एंड शेकर्स ऑफ द वर्ल्ड, मीन्स इवन दो दे आर नॉट वेरी मच सक्सेसफुल इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी टर्म्स या इन मनी टर्म्स इन वेल्थ टर्म्स, बट फिर भी दे आर द मूवर्स एंड शेकर्स ऑफ द वर्ल्ड हु शो द वर्ल्ड अ फेस आउटसाइड द सोसाइटल नॉर्म्स एंड एथोस बाय बिल्डिंग अ न्यू डायनामिक वंस। सोसाइटी के वे वो एक अलग तरीके से बाहर उभर के आते हैं। द इफेक्ट ऑफ देयर आर्टिस्ट्री हेल्प क्रिएट वंडरफुल इमॉर्टल सॉन्ग्स केपेबल ऑफ बिल्डिंग, मतलब कि वो दीज म्यूजिक मेकर्स व्हाट दे डू, दे क्रिएट इमॉर्टल सॉन्ग्स दैट गो ऑन फॉर एवर। ओके, दीज आर केपेबल ऑफ बिल्डिंग वर्ल्ड ग्रेट सिटीज, देयर फैबुलस मिथिक स्टोरीज, माइथोलॉजिकल स्टोरीज जो होती हैं, फैशन ग्लोरियस एम्पायर्स एंड न्यू सिविलाइजेशंस बाय इंट्रोड्यूसिंग रेडिकल थॉट्स एंड फीलिंग्स। ठीक, वन मैन विद अ ड्रीम, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी कैन एट हैंड कैन गिव अ दैट ड्रीम अ कंक्रीट स्ट्रक्चर। मतलब कि एक पर्सन जिसके पास वो अपॉर्चुनिटी है, ही कैन गिव द ड्रीम अ कंक्रीट स्ट्रक्चर। He is the one who will conquer the crown collectively, they can trample an empire down. ठीक, ये वाला पार्ट भी आप इसमें मेंशन कर सकते हो, इवन एज इट इज मेंशन कर सकते हो। दीज आर्टिस्ट हैव एग्जिस्टेड सिंस टाइम इमेमोरियल, बहुत समय से ये हैं। इन द पास्ट दे हैड बिल्ड सिटी ऑफ निनवे साइंग ओवर द टॉर्चर ऑफ द एनस्लेव्ड, मींस जस्ट बिकॉज की देवर सैड तो उन्होंने निनवे को बनाया था। Babel was created with mirth or happiness or joy, with the artists like the architects and sculptors working together happily. Nineveh was made when they were sad, Babel was made when they were happy. These artists are capable of overthrowing the old world. ये artists capable हैं कि वो old world को
हटा सकते हैं जस्ट कि जस्ट बिकॉज कि दे हैव एन एक्सपेक्टेशन कि न्यू वर्ल्ड की नया प्रोफेसी मीन्स भविष्यवाणी कि दे हैव अ प्रोफेसी कि न्यू वर्ल्ड जो है जैसे एज आएगी मतलब इट वुड रिप्लेस और उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा न्यू वर्ल्ड विच इज रिप्लेस्ड बाय अनदर इनिशिएटिंग अ चेन रिएक्शन. आर्ट सर्वाइव्स व्हेन नथिंग डज, जब कुछ नहीं बचता है तो एक आर्ट है, एक आर्टिस्ट की आर्ट है. लाइक फॉर एग्जाम्पल ताजमहल भी जिसने बनाया तो वो आज भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है उसकी. ओके तो इवन दो व्हेन नथिंग सर्वाइव आर्ट इज समथिंग दैट विल सर्वाइव फॉर एवर. एंड द मेन हु थिंक एंड ड्रीम आर द म्यूजिक मेकर्स हु रिमेन इमॉर्टल. ठीक, तो ये पूरा पार्ट हो गया आपका वी आर द म्यूजिक मेकर्स का. अब इसी का ही हम लोग ये जो पूरी पोएम है दिस आई हैव टॉट यू नहीं पढ़ी है. आई हैव यू कैन चेक इन द आईएससी इंग्लिश लिटरेचर प्लेलिस्ट. ठीक, ये हम आपको बहुत ढंग से पढ़ा चुके हैं. उसके बाद क्या कहा गया है, आफ्टर दिस पोएम कुछ दो तीन टॉपिक्स थे जो माइट बी कैन बी आस्क्ड क्योंकि टोन और ये सब चीजें बोली गई हैं पढ़ाने के लिए. तो सबसे पहले वी आर द म्यूजिक मेकर्स की थीम. ठीक, आई विल सेंड यू दिस पीडीएफ ऑन टेलीग्राम. सबसे पहला क्या बोला गया है, इट इज द अप्रिसिएशन ऑफ आर्ट. द पोएट एनकरेजेस द रीडर्स टू ड्रीम लाइक आर्टिस्ट. पोएट कहता है रीडर्स को दैट दे शुड ड्रीम लाइक आर्टिस्ट हु शेप द वर्ल्ड थ्रू देयर इमेजिनेटिव capabilities, the transformative power of art, the ability of the artist to cause changes and the timelessness of art are the major concerns in this poem. Timelessness means you can write it as immortality. Okay, immortality जो चीज हमेशा रहती है अमर रहती है. तो रुको हम इसको डिलीट कर देते हैं, अपने पास इसको नोट डाउन कर लेना कि टाइमलेसनेस मींस इमॉर्टैलिटी. यहाँ पर बहुत पीडीएफ में वैसे मेरी राइटिंग बहुत हॉरिबल दिखती है. इट प्रमोट्स अ फीलिंग ऑफ फ्रीडम इन द सेंस दैट इट एनकरेजेस अ रीडर टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द शैकल्स ऑफ सोसाइटी. सोसाइटी वट एवर सोसाइटी थिंग्स, हम उससे बिल्कुल ही अलग होकर के काम करते. इट इज ओनली व्हेन वी आर in perfect tune with ourselves that we can manifest magic. कि हम लोग magic भी कर सकते हैं. This poem is a celebration of art. ठीक, ये line बहुत important है. And the artist on every platform. It is the ode of pure appreciation to the gifted artists who are brave enough to rebel against dull, unimaginative and monotonous existence. देखो ये पूरा का पूरा blue pen से जा रहा है अपने अकॉर्डिंग. ठीक, इसके अकॉर्डिंग नहीं, अपने अकॉर्डिंग. जहां जहां पर जो जो चीजें आप उसमें मेंशन करो उसमें कोट्स भी मेंशन करो. दो आर्टिस्ट डू नॉट इन्वॉल्व देमसेल्व्स इन द मेन स्ट्रीम सोसाइटी, दे प्रेफर टू स्टे अलूफ. देयर आर्ट स्टिल मेक्स देम द मूवर्स एंड शेकर्स. उनके आर्ट भी उनको मूवर्स एंड शेकर्स बनाती है ऑफ द सोसाइटी. दिस पोएम क्लियरली आइडेंटिफाइज द सैक्रिफाइसेस जो ये आर्टिस्ट देते हैं दैट हैव मेड टू प्रूव देयर लॉयल्टी, जिनके कारण उनकी लॉयल्टी टू आर्ट एंड सैल्यूट्स टू देम फॉर देयर ब्रेवरी एंड क्रिएटिविटी. यहाँ पर आप किसका एग्जाम्पल दे सकते हो, बैबल ओके एंड निन्वे का एग्जाम्पल दे सकते हो. फिर आर्ट इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड टू दिस वर्ल्ड एंड द आर्टिस्ट अ प्रमोटर ऑफ दिस गिफ्ट. Artists are the revolutionaries who have been inspiring millions of generations. They are the true leaders who led every generation and bestowed them with a gift of art. They arouse inspiration and will inspiration and the will to dream and help to escape from the clutches of society and the bitter reality. Okay, then next is the tone of the poem. is predominantly that of appreciation. दो ही चीजें यहाँ पे बोली गई हैं, एक कि हम वी आर म्यूजिक मेकर्स को मतलब म्यूजिक मेकर्स को अप्रिशिएट कर रहे हैं और उनकी आर्ट को सेलिब्रेट कर रहे हैं. द पोएट सेलिब्रेट्स द इमेजिनेटिव पावर ऑफ द आर्टिस्ट बाय यूजिंग विच दे आर एबल टू ब्रिंग चेंजेस इन द सोसाइटी. एक सॉन्ग, पोएम, पेंटिंग, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट कैन अराउज पीपल्स इमोशंस
अवेकन देयर इमेजिनेटिव एबिलिटीज, ये सारी चीजें उनकी इमेजिनेटिव एबिलिटीज को बढ़ा सकती हैं, एंड इंस्पायर देम टू रिबेल अगेंस्ट अ डल डल वर्ल्ड. आर्ट इज नॉट ओनली केपेबल ऑफ रेजिंग न्यू एम्पायर्स, जैसे उसमें लिखा था कि मतलब ही कैन दे कैन बिल्ड अ न्यू एम्पायर थ्रू फैंटेसीज, बट इज ऑल्सो कॉम्पिटेंट इन इन डिस्क्रिप्शन, जहां पर लिखा हुआ था डैट दे कैन वट दे कैन डू दे कैन ट्रैम्पल एन एम्पायर्स ग्लोरी. ठीक है, टेक्स्ट में जो लिखा था एज इट इज वो यहाँ पर मेंशन करना, ये हम सिर्फ एक एग्जांपल दे रहे हैं कि ये चीजें आप यहाँ पर लिख सकते हो. व्हेन एवरीथिंग इज इन रुइंस इट इज आर्ट दैट सर्वाइव्स, मींस इट इज इमॉर्टल. द टोन चेंजेस फ्रॉम सेलिब्रेटरी टू दैट ऑफ डिस्ट्रेस, लास्ट में वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है, जैसे कि पोएट जो हाईलाइट करता है द सैक्रिफाइसेस मेड बाय द आर्टिस्ट फॉर सर्वाइवल दे आर इटर्नली इन रिदम सॉरी दे आर इटर्नली इन सर्च ऑफ अ पैट्रॉन. हाउएवर द मूड स्विफ्टली चेंजेस टू दैट ऑफ इलेशन एज द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द आर्टिस्ट टू द सोसाइटी आर अप्रिशिएटेड. ओके, एट द एंड देन अगेन दे आर सेलिब्रेटेड. देखो इसमें कुछ कुछ चीजें जो आपको एक्सप्लेन करनी, कुछ कुछ मेन मेन पॉइंट्स हैं. सबसे पहले मेन पॉइंट दैट दे कैन कॉन्कर अ क्राउन, व्हाट थिंग्स दे कैन डू, तो उसको पॉइंट्स में लिखो प्लस उसमें कोट्स भी मेंशन करो, चाहे अलग से चाहे आंसर में ही, मतलब मिक्स कर दो उसको डिस्क्रिप्शन में ही, या फिर अलग से दो लाइनें उसकी लिखो. दे कैन कॉन्कर द वर्ल्ड, दे कैन ट्रैम्पल डाउन एन एम्पायर्स ग्लोरी, दे कैन बिल्ड निनवे, दे कैन ओवरथ्रो एन एम्पायर, दे कैन ओवरथ्रो अ वर्ल्ड इन द प्रोफेसी ऑफ अ न्यू वर्ल्ड्स वर्थ. ओके, तो ये सारी चीजें अलग अलग आप उसमें लिख सकते हो, और इसमें से कुछ भी आ सकता है पूछने को, क्या पता वो पूरा का पूरा दे दें जैसे इसमें दिया है. द आर्टिस्ट प्रोड्यूस वर्क दैट आर बेनिफिशियल फॉर अपलिफ्टिंग द सोसाइटी, और अलग अलग चीजों से कि उन्होंने सिटीज के बारे में क्या कहा है, उन्होंने सोसाइटी के बारे में क्या कहा है. फर्स्ट स्टैंजा है जहाँ पे वो डेजोलेट स्ट्रीम्स के इधर उधर घूमते हैं, दे आर लोनली वॉन्डरर्स, तो वो अलग अलग पढ़ा करो. फिर क्या कहा गया है, एलिटरेशन. एलिटरेशन क्या होता है, व्हेन देयर इज अ रेपिटेटिव रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट फिगर्स ऑफ स्पीच. आई एम अगेन सेइंग आई हैव टॉट यू इन अ सेपरेट वीडियो दैट इज इन द प्लेलिस्ट ऑफ मस्ट वॉच, आप उसमें से अलग से उसको देख सकते हो, सो दैट आपको ये समझ में आ जाए कि कौन से फिगर ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है. एलिटरेशन इज अ रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स इन द सेम लाइन इन क्विक सक्सेशन, जैसे कि फार फ्लटरिंग ओके फ्लावर, तो कॉन्सोनेंट्स हैं स्टार्टिंग में एफ एफ एफ, तीनों के कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, पास आस पास या फिर नियर टू ईच अदर, तो वैसे ही यहाँ पे लिखा है टू द ओल्ड ऑफ द न्यू वर्ल्ड्स वर्थ, तो न्यू डब्ल्यू हेयर एंड डब्ल्यू हेयर, तो उसका साउंड. देन नेक्स्ट वाला था शैल गो फॉर्थ एंड कॉन्कर अ क्राउन सी एन सी, ठीक, तो इसी को एलिटरेशन कहते हैं. फिर उसके बाद क्या कहा है, इमेजरी इज यूज्ड जो आपके सेंसेस को हिट करती है, चाहे वो सेंस ऑफ साइट हो, हियरिंग हो, टेस्ट हो, स्मेल हो, ठीक, और टच हो. तो वॉट फॉर एग्जाम्पल वॉन्डरिंग बाय अ लोन सी ब्रेकर्स, या जब मतलब पढ़ोगे तो आप इमेजिन कर सकते हो इसको. वी फैशन एन एम्पायर्स ग्लोरी शैल गो फॉर्थ एंड कॉन्कर अ क्राउन, तो जब भी आप ये चीजें इमेजिन करोगे तो आपको एक दरबार, राजा का दरबार जैसा दिखेगा, अपने आप ही इमेजिन करोगे. देन नेक्स्ट इज सिंबोलिज्म. सिंबोलिज्म इज यूज्ड यूज ऑफ सिंबल्स टू सिग्निफाई आइडियाज एंड क्वालिटीज बाय गिविंग देम सिंबॉलिक मीनिंग्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम देयर लिटरल मीनिंग, जैसे डेथलेस डिटीज. यहाँ पर क्या कहा गया, डेथलेस इमॉर्टल एंड डिटीज जो कि स्टोरीज या फिर सॉन्ग्स होते हैं, तो ये उसी का ही सिंबल है. डेथलेस डिटीज मीन्स द सॉन्ग्स दैट आर एवरग्रीन. नेक्स्ट इज मेटाफर, वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच जिसमें एक इम्प्लाइड कंपैरिजन होता है बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स दैट आर डिफरेंट थ्रू आउट द पोएम. पूरी पोएम में द पोएट हैज यूज्ड द एक्सटेंडेड मेटाफर ऑफ म्यूजिक, ठीक, मेटाफर ऑफ म्यूजिक उसने यूज किया टू कंपेयर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड विद एडवेंचर एंड पेन.
मतलब कहीं पर उसने दिखाया कि म्यूजिक से लोग ये कर सकते हैं, कहीं पर दिखाया म्यूजिक से लोग चीजों को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं. इन द ड्रीमर्स ऑफ ड्रीम्स द पोएट यूजेस मेटाफर फॉर क्रिएटिव इमेजिनेशन, कि वो क्या है, वो लोग ड्रीमर्स को, यहाँ पर म्यूजिक मेकर्स को बोला गया है ड्रीमर्स ऑफ ड्रीम, तो ये एक मेटाफर है. दीज आर पर्सनल मेटाफर्स इन द फ्रेजेस. पर्सनल मेटाफर्स क्या होते हैं, जिसमें कंपैरिजन के साथ उनको एक पर्सनल क्वालिटी भी दी जाती है. तो दे आर लोन सी ब्रेकर्स, सी ब्रेकर्स भी हैं और लोनली भी हैं. द डेजोलेट स्ट्रीम्स, नदियां भी हैं, छोटी छोटी नदियां भी हैं और वो डेजोलेट भी हैं, अकेले भी हैं. देन बिसाइड देर इज इंपॉर्टेंट मेटाफर इन द फ्रेज पेल मून. दिस इज अ मून, ओके, एंड इट इज पेल. तो इट इज अ सिंबल ऑफ पेसिमिज्म. और ये सारी चीजें क्या बताती हैं, दैट देर इज पेसिमिज्म, देर इज नेगेटिविटी, डार्क साइड ऑफ थिंग्स. देन हाइपरबली, इट अकर्स इन द लाइन कैन ट्रैम्पल अ किंगडम डाउन. हाइपरबली क्या होता है, जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा एग्जैगरेट करते हो, बढ़ा के बताते हो. तो यहाँ पर वी आर द म्यूजिक मेकर्स के लिए कहा गया है, म्यूजिक मेकर्स के लिए कहा गया दैट दे कैन ट्रैम्पल एन एम्पायर्स ग्लोरी या अ किंगडम डाउन. एल्यूजन, जब आप किसी किसी भी कैरेक्टर का या किसी भी, जैसे यहाँ पर बाइबल के वर्ड्स का रेफरेंस लिया गया, लाइक निनवे एंड बाबल, ठीक, तो इसको इट इज अ बिलीफ या फिर इनडायरेक्ट रेफरेंस ऑफ अ पर्सन प्लेस थिंग आइडिया ऑफ अ हिस्टोरिकल कल्चर पॉलिटिकल और लिटरेरी सिग्निफिकेंस. तो यहाँ पर बाबल और निनवे का एग्जाम्पल दिया हुआ है इसी में, ठीक. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच अबाउट वी आर द म्यूजिक मेकर्स. उसको कैसे पढ़नी है, कैसे प्रिपेयर करनी है. दिस पीडीएफ एंड द आंसर्स ऑफ दैट डोवर बीच और वी आर द म्यूजिक मेकर्स का आई विल सेंड यू ऑन टेलीग्राम. ओके, नाउ स्टोरी पार्ट इज लेफ्ट. वो थोड़ा सा लेंदी है, तो हो सकता है आई माइट डू इट इन टू पार्ट. 2020 का हम अलग करवाएंगे, 2019 वाला अलग करवाएंगे, क्योंकि 19 में सिर्फ टेम्पेस्ट की एक आरटीसी है और द सिंगिंग लेसन है जो 19 में है. तो आई विल डू इट इन अ सेपरेट वीडियो. टिल देन कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप स्टडिंग. बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम. थैंक यू.